हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MI वर्सेस सैमसंग के कंपैरिजन करने जा रहे हैं MI और सैमसंग के टीवी की। आज की वीडियो में हमने 32 इंचेस की टीवी को कवर किया है। मार्केट में आपको 32 इंचेस का टीवी जो है वो 7,000 से 15,000 के बीच में उपलब्ध है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। 32 इंचेस की टॉप 5 टीवी को हमने कवर किया है। आज की वीडियो में हम केवल और केवल कंपैरिजन करने जा रहे हैं सैमसंग और MI की टीवी का। दोनों में कौन बेहतर है ये कंपैरिजन के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में हम डिजाइन, साउंड, कोड्स, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो को लेकर आपके तक आते रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं MI की टीवी की। दोस्तों, MI की टीवी का साइज जो है वो 32 इंचेस या 80 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके रिमोट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिमोट काफी क्लासिक है, बहुत ही कम बटन के साथ में काफी अट्रैक्टिव रिमोट आपको दिखता है, जिसमें क्विक वेक, क्विक म्यूट और क्विक सेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टॉप में आपको पावर ऑफ ऑन को, मिडल में आपको वॉल्यूम प्लस माइनस और चैनल प्लस माइनस का आपको सिंबल देखने को मिल जाता है, जिससे आप चैनल को आगे पीछे या वॉल्यूम को आगे पीछे कर सकते हैं। बात करें पिक्चर क्वालिटी की तो यहाँ पे स्क्रीन साइज 32 इंचेस का है, जो की VAIPS का LED पैनल है। इसके अंदर HD रेडी वाइड पिक्चर इंजन इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाता है। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में 1366x768 पिक्सल के साथ में ये आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सैमसंग की, तो इसके अंदर का जो रिमोट है वो उसके अंदर काफी बटन है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। काफी बटन है, सपोर्ट उसके अंदर क्विक हॉट कीज दे रखी है फॉर क्विक एक्सेस के लिए, जो कि नीचे बॉटम में है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसके जो LED टीवी है ये LED पैनल है, इसके अंदर HD रेडी, इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी सेम है, 1366x768 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। अब टीवी के फीचर्स की बात करें, अगर हम MI की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, 1.5 GB की रैम मिलेगा और 8 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, 1.5 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। माली 400 का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। MI में भी आपको माली 400 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। सपोर्टिंग एप्स की बात करें तो पिचवेल, नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Disney Plus, Microcast एंड गैलरी इत्यादि सपोर्टिंग एप्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये हमने MI की बात करी है। Samsung की बात करें तो Samsung में आपको Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, Sony Live, Hungama etc. एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो दोनों ही टीवी 178 का व्यूइंग एंगल देती है, 178 डिग्री तक आप टीवी को आराम से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। रिस्पांस टाइम की बात करें तो MI का जो रिस्पांस टाइम है वो 6.5 मिलीसेकंड का है और दूसरी तरफ सैमसंग का जो रिस्पांस टाइम है दोस्तों 7 मिलीसेकंड का है। साउंड की बात करें तो MI में आपको डॉल्बी ऑडियो स्टूडियो का सपोर्ट मिलता है, 20W का है, और दूसरी तरफ अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में भी आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट, स्टीरियो स्पीकर 20W का है। पोर्ट्स की बात कर ले तो MI में आपको HDMI के 2 पोर्ट्स मिलते हैं, USB के 2, ब्लूटूथ इसके अंदर मिलेगा। सैमसंग की बात करें तो HDMI के 2 पोर्ट मिलेंगे, USB का 1 पोर्ट मिलेगा। अगर लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो दोस्तों MI की जो कीमत है इस समय मार्केट के अंदर 12,400 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ सैमसंग की बात करें तो 14,990 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीवी कंपैरिजन में, पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही बेस्ट हैं। आप इन दोनों में से कोई भी टीवी परचेज कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार और अपने घर के अनुसार आपको कैसा टीवी चाहिए। दोस्तों, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो दोनों की ही 9 फीट की है, 9 फीट की दूरी पे इस टीवी को आराम से देखा जा सकता है। ये एडिशनल पॉइंट था जो कि मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, नई टेक अपडेट में। तब तक जय हिंद।